हरियाणा प्रदेश के पलवल जिले के हजारों किसान पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 14 किस्त का लाभ मिला है, लेकिन लंबे समय अपात्र किसान योजना का लाभ उठा रहे थे, जिस पर हरियाणा सरकार ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। ऐसे किसानों की छटनी कर उन्हें नोटिस जारी करते हुए रिकवरी के आदेश दिए हैं। पलवल जिले के इस तरह के कुल 183 किसान हैं जो इस योजना का पात्र न होने पर भी आर्थिक लाभ ले रहे हैं। इतना ही नहीं, इनमें वो लोग भी शामिल हैं जो सरकारी विभाग से रिटायर होने के बाद भारी भरकम पेंशन भी ले रहे हैं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का भी लाभ उठा रहे थे। ये जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, इसमें सरकार की जो गाइडलाइन आई है उनमें कुछ ऐसे थे जो पेंशनर रिटायर थे सरकारी डिपार्टमेंटों से और पेंशनर थे जिनकी आय 1,80,000 से ऊपर थी, तो ऐसे पलवल हमारे डिस्ट्रिक्ट में करीब 183 फार्मर हैं जो इस योजना का लाभ ले रहे थे, जिन पर कुल रिकवरी 18,04,000 रुपये बनती है। उनमें से करीब 18 फार्मर ऐसे हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है और अब तक जो रिकवरी हुई है 2,68,000 की रिकवरी हो चुकी है, बाकी और सभी को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। सर, किस तरह की लापरवाही थी जिसकी वजह से अपात्र लोग इस योजना का लाभ ले रहे थे? इसमें अभी ऐसा कुछ गाइडलाइन पूरी आई नहीं थी हमारे पास कि भाई किसको देना है किसको नहीं। जैसे जैसे नई नई गाइडलाइन आती है, सरकार की जो हिदायत आती है उनके अनुसार हम अपना कार्य विभाग करता है। बताएंगे इसका मामले का खुलासा कैसे हुआ? इसका खुलासा तो सरकार से हमारे पास जो आई थी कि भाई लिस्ट आई थी कि इन फार्मर से इतने फार्मर आपके डिस्ट्रिक्ट में 183 फार्मर बनते हैं जिनकी रिकवरी 18,04,000 रुपए बनती है, इसको इनको नोटिस जारी करके इनसे अपना वसूली करें। तो क्या ये वो किसान थे जो विभिन्न विभागों में सरकारी पदों पर कार्य कर रिटायर हो चुके थे? हाँ जी, सब वही हैं ज्यादातर जो विभागों से रिटायरमेंट ले चुके हैं, ये उन्हीं के पैसे बनते हैं, बाकी फार्मर से अभी किसी से नहीं लिए जा रहे। जब किसान सम्मान निधि की जब लिस्ट तैयार की थी तो किस महकमे को इसका जिम्मेवारी दी गई थी, तो किसकी गलती मानी जाएगी इसमें? इसमें देखो जी, रेवेन्यू भी था जो जमीन की वो करता था, एग्रीकल्चर भी था, ये मिली जुली काम हुआ है, तो एक पर्टिकुलर उस पर तो था नहीं डिपार्टमेंट पर की करना। कब लिस्ट आई है और कब तक इसकी रिकवरी के आदेश मिले? 28 जून को 2024 को हमारे पास लिस्ट आई है, जो मई को भी 28 मई 2024 को हमारे पास ये जो सूची प्राप्त हुई है भारत सरकार से, और इससे 30 से हमने फिर इलेक्शन होने की वजह से 30 के बाद इसको कार्यों को शुरू किया। जिन लोगों से पैसा वापस नहीं आ पाएगा तो क्या उनके खिलाफ कोई जांच या कार्रवाई की जाएगी? उनके खिलाफ देखो सरकार की क्या, हम तो जानकारी इनको नोटिस दे के आगे सरकार को वो कर देंगे इन्फॉर्म, जो उनका बनता होगा जो आगे से।